हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं UP SSSC BDO और ग्राम विकास अधिकारी का जो फॉर्म आया था उसके 4000 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। जी हाँ, जो आपका डेट एग्जाम आया था, एग्जाम है UP SSSC BDO और ग्राम विकास अधिकारी के, उसमें से 4000 कैंडिडेट के, लगभग 4000 कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। हम इस तो इसीलिए कि वीडियो मैंने बनाया है, तो आपको इस वीडियो में बताएंगे कि 4000 फॉर्म क्यों रिजेक्ट हुए हैं और किसके रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है इन 4000 में से, तो आपको क्या करना होगा। इसके लिए UP SSSC ने 7 नवंबर तक का पुनः तारीख दिया, तो इसके लिए आपको हम चलते हैं UP SSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यह है UP SSSC का ऑफिशियल वेबसाइट। इसके लिए आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यूज एवं अलर्ट लिखा, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू लिस्ट ऑफ पब्लिसेंट हैविंग फोटो रिलेटेड ऑब्जेक्शन अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस। यानी कि उन 4000 कैंडिडेट का UP SSSC BDO और ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, जिनका जो फोटो है ब्लर्ड है या अच्छा नहीं है, सिग्नेचर ब्लर्ड है या सिग्नेचर जो साइज बताया था UP SSSC ने उस साइज में नहीं है। तो इससे रिलेटेड जो जो कमियां हैं उनमें से 4000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसके लिए UP SSSC जो संस्था है उसने 7 नवंबर तक का सभी कैंडिडेट को टाइम दिया है कि अगर जिन जिन कैंडिडेट का 7 नवंबर तक जिन 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 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो 7 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस न्यूज एवं अलर्ट व्यू पे क्लिक करना होगा। जब इस पे क्लिक करते हैं तो आपका एक पेज खुल के आता है, ऐसा ऐसा है कि आपको पेज खुल के आ जाएगा न्यूज एंड अलर्ट पे। क्लिक करने के बाद लिस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन अंडर विच एप्लीकेंट फॉर्म फाउंड ऑब्जेक्टेड ड्यूरिंग वेरिफिकेशन प्रोसेस, यानी कि जो वेरिफिकेशन प्रोसेस हो रहा था जिन जिन कैंडिडेट ने भरा था उनमें कुछ कैंडिडेट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इनकरेक्ट पाया गया। क्यों पाया गया, उनमें फोटो ब्लर्ड या फोटो का अच्छा साइज नहीं है, इमेज जो सिग्नेचर वो ब्लर्ड या सिग्नेचर जो साइज में बताया गया था वो नहीं। तो अगर आपको भी देखना कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा सी ऑब्जेक्शन, मैं जहाँ कर्सर कर रहा हूँ यहाँ पे लिखा सी ऑब्जेक्शन लिस्ट, इस पर क्लिक कीजिए तो आपका एक लिस्ट खुल के आता है। ऐसा आपको एक ऐसा लिस्ट खुल के आएगा, इसमें रोल नंबर दिया है, कैंडिडेट का नाम दिया है, उनके फादर्स या हस्बैंड का नाम दिया है, और ये प्रॉब्लम बताया गया कि आपका जो फॉर्म है उसमें क्या प्रॉब्लम है, फोटो सिग्नेचर रिलेटेड ऑब्जेक्शन। तो जैसे पहला जो कैंडिडेट है इनका रोल नंबर ये है, इनका नाम है आज्ञा आनंद, तो इनके पिताजी का ये नाम है आनंद कुमार पांडे। इनमें क्या प्रॉब्लम, फोटो इज नॉट एज पर डायमेंशन, यानी कि जो ये आज्ञा आनंद जी हैं इनका जो फोटो है वो जो सही डायमेंशन उचित डायमेंशन UP SSSC ने जारी किया था उस डायमेंशन में नहीं है, कम या ज़्यादा है, तो इसीलिए इनके फोटो में प्रॉब्लम है। तो UP SSSC ने इनको इनके फॉर्म को रिजेक्ट किया है और इनको 7 नवंबर तक टाइम दिया गया है। अगर 7 नवंबर तक दोबारा फिल नहीं करते हैं, तो आप इनका जो फॉर्म है कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार जो टोटल कैंडिडेट हैं आप देख सकते हैं लगभग 4000 कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, और सबके सामने ये भी लिखा गया प्रॉब्लम क्या है। जैसे ये जो कैंडिडेट हैं मिस्टर सुशीला देवी, तो इनके में फ़ोटो बहुत स्मॉल है। अगले जो हैं KM सावित्री जो हैं, फोटो एज पर नॉट जेंडर, यानी कि ये अगर मेल चूज किए हैं तो इनका फीमेल का है। तो इस प्रकार से बहुत प्रॉब्लम है। तो टोटल जो कैंडिडेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके टोटल कैंडिडेट हैं 3995, यानी कि लगभग 4000 कैंडिडेट हैं जिनका जिनके साथ ऐसा हुआ, फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो आपके लिए फाइनल टाइम है 7 नवंबर तक, इस फॉर्म को रिफिल कर दीजिए और जो आपके सामने यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाया गया उस प्रॉब्लम को सही कर दीजिए। इसको करने के लिए आपको क्या होगा, अपने जो UP SSSC की वेबसाइट है उस पर होम पेज पर जाइए, यहाँ पर जाना होगा। ये मैं UP SSSC की होम पेज साइट खोल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे दिख रहा है एप्लीकेंट सेगमेंट, इस एप्लीकेंट सेगमेंट में जाना है। उसके बाद कैंडिडेट सिग्ने रजिस्ट्रेशन, इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म के फिल करते वक्त मिला था आपको वो फिल करना। उसके बाद फोटो विद सिग्नेचर अपलोडिंग, जब ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन खोलेंगे तो आपका एक फॉर्म खुल के आएगा। तो जो फॉर्म खुल के आएगा उसके बाद जो इस यहाँ पे आपके सामने बताया गया है प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को फिक्स कर दीजिए। अगर आप ये प्रॉब्लम 7 नवंबर तक नहीं फिल करते हैं, फिक्स करते हैं, तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप
फाइनल एग्जाम में जो एग्जाम है दिए 22 दिसंबर को उसमें नहीं बैठ पाएंगे। और ये भी लिखा है प्लीज क्लिक ऑन द कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर शोन इन द फॉलोइंग लिस्ट टू री अपलोड द वैलिड फोटो विद सिग्नेचर, प्लीज सी गाइडलाइंस फॉर अपलोडिंग। यहाँ पे गाइडलाइंस दी हुई है, तो इसके लिए आप जिन जिन स्टूडेंट का ऐसा हुआ है, लगभग 4,000 मैंने आपको दिखाई दिया, 3,995 का है हुआ है, सबके सामने ये प्रॉब्लम भी है। तो आप जो 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 आप जिन जिन छात्र में जो जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से फिक्स कर दीजिए, 7 नवंबर इसका टाइम है। अगर नहीं फिक्स करते हैं तो आप कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपको क्यों ही ना फी जमा कर दिए या जो भी कर दिए, इनके आप फाइनल स्टूडेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो आप जल्दी से इसको मॉडिफाई कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे मॉडिफाई सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। तो ये था एक अपडेट UP SSC की तरफ से जो आपको देना जरूरी था। अगर आपका ऐसा साथ हो, अगर आपका भी एग्जाम करेक्शन है तो उसको जरूर कीजिए, वरना आप रिजेक्ट हो जाएंगे। एक बात और, मैं एग्जाम फॉर्म अकेडमी पे यहाँ पे डेली लेटेस्ट वीडियो ला रहा हूँ UP SSC से रिलेटेड। UP SSC से आप देख सकते हैं मैंने 6 महीने के करंट अफेयर भी अपलोड किया है, और UPPCL एग्जाम से रिलेटेड, और UP SSC वीडियो की इन समय हिंदी की क्लासेस चला रहा हूँ यहाँ पे, और यू जो RRB CBT 2 का एग्जाम है उससे रिलेटेड कई वीडियो ला रहा हूँ। और जो लेटेस्ट आपके अपडेट आपसे रिलेटेड रहती है आपको देना, वो भी मैं देता रहता हूँ। तो अगर अभी तक इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए, तो यहाँ पे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, इस पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस बनी रहे। तो ये था फाइनल आपके लिए एक अपडेट जो कि जरूरी था देना, तो मैंने इस वीडियो में डिटेल बता दिया, और ये भी बता दिया कि क्या अपडेट है और कैसे आपको करेक्शन करना है और क्या करेक्शन करना है। एक बात मैं फिर से आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको जाना है UP SSC की वेबसाइट पे, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे न्यूज और अलर्ट में जाना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू व्यू द एप्लीकेंस हैविंग फोटो रिलेटेड, पे इस पे क्लिक करना। जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, तो जब ऐसा विंडो खुल के आएगा तो उसके बाद यहाँ पे सी ऑब्जेक्शन लिस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना। तो जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, तो आप क्या करना है इसमें, जब खुल के आया तो Ctrl+F क्लिक करना। अगर आप कंप्यूटर में देख रहे हैं तो Ctrl+F करना। कंट्रोल जब +F करेंगे तो आपका यहाँ पे ये फाइंड लिख के आ गया। तो आपका मान लो रोल नंबर है 71 70 70 13 12 78 80 5, तो ये आपको शो करने लगेगा। तो ऐसे आपको फाइंड कर लेना अपना नाम, या फिर नाम देखना, क्योंकि 4,000 कैंडिडेट हैं, ऐसे अगर आप ढूंढेंगे तो जल्दी मिलेगा नहीं, तो शायद आपका नाम छूट जाए। इसलिए मैंने एक आपको ट्रिक भी बता दिया, Ctrl+F प्रेस करके आप अपना रोल नंबर या अपना नाम या अपने पिताजी का नाम जो भी आपको डालना हो डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिक आपका फ्लैश कर देगा। जैसे मैंने ये डाला, यहाँ तक मैच किया तो ये वो कर दिया। 2-3 बार आप अच्छे से चेक कर लेना है कि कहीं आपका फॉर्म के साथ करेक्शन ना करना हो, अगर करेक्शन होगा नहीं किए रहेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का अपडेट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और दूसरी बात अपने दोस्तों के साथ जरूर भी शेयर कर दीजिए जिन जिन लोगों ने UP SSC वीडियो और ग्राम विकास अधिकारी का फॉर्म भरा है, ताकि कोई भी आपका फ्रेंड का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।